बाद सियाहती मकाम गुलमर्ग की, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतर सहूलियात और गुलमर्ग में ट्रैफिक जैम से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि गुज़श्ता दिनों के दौरान सयाहों के साथ धोखादेही जैसे मामलात भी सामने आए, इनको रोकने के लिए होटलों और दीगर स्टेक होल्डर्स के जरिए से आज मुनासिब रेट या नर्खनामों को लेकर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदौड़ी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई। इस मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, SDM गुलमर्ग, RTO कश्मीर, तहसीलदार टंगमर्ग और मकामी सतह पर पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग में सयाहों से धोखादेही के मामलात पर संजीदगी से गौर करते हुए इन मामलात को रोकने पर भी फौरी तौर पर सर्विस प्रोवाइडर्स पर जोर दिया गया और कहा गया कि सर्विस प्रोवाइडर्स को अब शनाख्ती कार्ड और वर्दी दी जाएगी। सूबाई कमिश्नर ने खबरदार किया कि गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में जिसका भी घोड़ा या फिर खच्चर वगैरह पाए जाएंगे जो सयाहत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन पर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटिंग में तमाम महकमों के आला अफसरान के अलावा होटलियर्स पूनी वाले, गाइड एसोसिएशन गुलमर्ग, ETV एसोसिएशन टंगमर्ग, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान और दीगर लोग भी मौजूद थे। सूबाई कमिश्नर ने इन तमाम शुरका को हिदायत दी कि वो सयाहों के साथ किसी किस्म की धोखादेही से बचें और जो भी इस तरह के गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर समाजी कामों में मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक चाराजोई होगी। आज यहाँ पे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे सब ट्रेड जितने भी गुलमर्ग के अंदर जैसे पोनी वाला है, ATV वाला है, बाइक वाला है या कोई भी है, कोई भी ट्रेड है, तो उन सब ट्रेड को इन्होंने बुला के एक मीटिंग रखी थी और मैंने भी बहुत सारी मीटिंग यहाँ पे अटेंड की आज तक, लेकिन ऐसी फर्स्ट चांस मैंने एक ऐसी मीटिंग देखी कि जिसमें बहुत अच्छे से बात हुई है, बहुत अच्छे से हम लोगों की बात सुनी गई है। तो उनके साथ हमारी बात हुई, हमारे जो इश्यू चल रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, मेरी एसोसिएशन का जो मसला चल रहा है, तो इसलिए हमने आज सर से मीटिंग की, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें एक रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। देखिए, आपके माध्यम से हमें कुछ रिपोर्ट्स जो मिल रही थी, एक तो टूरिस्ट सीजन पूरे ब्लूम पे है, आपने देखा है, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सभी स्टेक होल्डर्स जो है उसका एक अच्छे से बेनिफिट भी ले रहे हैं और टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो उससे रिलेटेड भी आज हमने बहुत सारे उस पर डिस्कशन किया है। जो समस्या जो हमें देखने को मिल रही थी, जो आपके माध्यम से भी आ रहा था, सोशल मीडिया में आ रहा था, कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट को कुछ की ओवर चार्जिंग की कुछ कंप्लेंट्स थी या उसके अलावा उनको किसी जगह से आने से रोकना या और कुछ भी जो माल प्रैक्टिस आप कह सकते हैं वो सामने नज़र में आ रही थी, तो उसी को से रिलेटेड सभी जगह का जो है एक तरीके से हमने इंटरेक्शन किया है। और आज जो मुझे खुशी की बात यह है कि हम सब ने मिल के एक डिसीजन लिए हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने अपने सजेशन दिए हैं और सब ने एक दूसरे के व्यू पॉइंट को भी सराहा और हम इस पे जो है कर्व कर पाएंगे और इस तरह का टूरिस्ट सीजन जो है इसमें और अच्छे से हम फैसिलिटी दे पाएँ। ये हमारे स्टेक होल्डर्स है, आप उम्मीद रखिए अभी तक ये अपोजिट साइड में नहीं है, ये हमारे साथ ही है। मान लीजिए पोनी वाले को अगर हम आई कार्ड देते हैं जिससे हम रिकग्निशन देते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी इज्जत की बात है जो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी है। तो उसके लिए होटल एसोसिएशन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी कहा है कि साहब हम भी CSR में जो है अपना इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यूनिफॉर्म का डिज़ाइन CEO साहब और इनके साथ मिलके बना रहे हैं ताकि ऐसी यूनिफॉर्म हो जिसे वो जैकेट टाइप या और आई कार्ड जिसको पहन सके, ये ना हो कि वो आज पहना और वो घर पर रख के आ गया, तो उस तरह का एक उसमें ला रहे हैं। आप सारी चीज़ें एक साथ एक ही रोड पर तो नहीं चला सकते हैं, कुछ हमारे पास फ़ायदे हैं, जैसे ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया जोन भी है, यहाँ के कुछ एरियाज़ आपको पता है, वहाँ मैं ATV या गाड़ी तो नहीं चलाऊँगा, तो वहाँ घोड़े वाले उसको यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ ATVs ज़्यादा कामयाब रहेंगे और कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ कोई भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, तो उस हिसाब से एक ईयर मार्क करके कि जिससे एक विन सोल्यूशन रहे सबके लिए। तो आज जो हमारे साथ जो है SSP ट्रैफिक से लेके हमारे सारे लोग जो है उन सब पे हमने ध्यान दिया है, RTO भी है और मेरे जो HODs हैं वो सारे आए हुए हैं, CEO साहब है, SDM हैं, तो हमने इस पे ही ध्यान दिया है कि यहाँ के जो रोड भी ठीक रहे और सब स्टेक होल्डर्स के लिए ईयर मार्क्ड लोकेशन होगी और उसका ही पार्टिसिपेट।